पूरे परिसर के बाहर बैठे थे जेबी से, भैया तो किसकी ड्यूटी थी पास बनवाने की? जो कह रहे हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अरे यार तो तुम यहाँ के कार्यालय प्रमुख नहीं हो क्या? हम कार्यालय प्रमुख नहीं है क्या? दे कह रहे थे वही पे, पे कह रहे हम तो अपना काम कर रहे थे। इनकी नगर परिषद नहीं है, इनने कर्मचारियों के पास बनवाया, इनने बालियों के बनवाया, इनने स्वयं का बनवाया, इनने राहुल का बनवाया। अरे यार तो ELCM से तहसीलदार से तुम्हारे डायरेक्ट संपर्क है, इतना कम उनको बोलने का? अरे यार ELCM साहब ने फोन पर पूछा आपने कम से कम का काम दी थी, फोन लगा रहे बार बार। हम क्यों लगाएंगे? हम पूरे सामने कहलवाएंगे, हम सामने कहलवाएंगे। सुनी क्या लगा तो तुमको खुद करना था, तुमको खुद पास बनवाना था, क्यों नहीं बनवाया आपने पास? अरे यार ये तो होता है अपने बड़ा गाँव का कोई भी आदमी। अरे हम कह रहे हमें नहीं करते, हम तो हरिजन है, हरिजन है, हरिजनों की कोई पकड़ नहीं। सुन तो लो, हरिजन सीट है नहीं, ये हरिजन सीट है वो यहाँ पे सामान्य वर्ग का हमारा CMO है, सामान्य वर्ग का हरिजन से छुआछूत मानता है, कोई द्वेष भावनाएं भी लगता है, सब कुछ करता है, ठीक है? नहीं हमको ये CMO नहीं चाहिए। जब इन्होंने 50,000 आदमियों के बीच में बेइज्जती कराई इनने हमारी परिषद की, हमारे गांव की तोहिन नहीं कराई। हमारे बड़ा गांव नगर का एक आदमी होता, किसी का भी नाम प्रतिनिधि में आता तो कहते, लेकिन हमारे CMO ने नाम जोड़ा, CMO ने उनसे निवेदन नहीं किया, CMO ने प्रयास नहीं किया। चलो कितना चल रहा है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं जानवर मरे रह गए, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। उनने कहा कि कर्म बुझा ही नहीं रहा है, हम क्या करें? अरे तो कौन पार्षद जाए कि अध्यक्ष जाए? CMO को ही काम कराना है ना, क्यों नहीं कराते? इसलिए हमको नहीं चाहिए भैया, हमारा पूरी परिषद के सामने हम रिजाइन कर देंगे। हम विधायक से बोल लेते हैं, कलेक्टर से बोल देते हैं, आप दूसरा चेयरमैन बना लो। CMO को चेयरमैन पसंद नहीं है, CMO को अपने तानाशाही करना है, वो अपने घर पे बैठना है, वो अपना पेट भरना है, उनको भर के फुल पेट टैंक होना चाहिए उनका, तो उनके कर्मचारियों का फुल पेट हो जाए, ठीक है? नहीं आरोप नहीं, तुम्हारा कौन सा कर्मचारी पूछता है? पूछो, वो फिर से मैंने टाइप करने के लिए लेटर दिया था, वो मुझसे बोल रहा था कि 3 घंटे बाद मैं काम करूंगा आपका। बुलाओ आप देश को, आपके जैन साहब के आवास की फाइलों के लिए हम कम से 4 महीना से चिल्ला रहे हैं, आप सब जैन साहब ने पूरी फाइलें भी निकाली है आवास की, प्रथम और दूसरी किस्त की, तीसरी किस्त के 48 लाख रुपए आपने वापस करवा दिए, आपने और प्रमोद जैन ने, पूरी जनता तीसरी किस्त के लिए परेशान है। तीसरी किस्त दशहरा के पहले आए थे पैसा, दशहरा के पहले आपने लेफ्ट करवाए, उपयोग नहीं किया, समय अभी मिले शासन ने वापस ले दिए, अभी नहीं, दशहरे के पहले था पैसा, पहले था पैसा, 46 लाख रुपए वापस ला के होंगे कि नहीं बप्पू? हुआ? अरे जो भी पैसा होगा 46 वापस हुए, 46 लाख वापस हुए, क्यों हुए वापस? बड़ी मुश्किल से शासन से पैसा मिलता है, वो हमारे जनता के काम को वापस, अगर आपकी लापरवाही आपके कर्मचारियों की लापरवाही की तरह, हम क्या ये कर्मचारी को पकड़े क्या? नहीं पकड़ सकते, हम तो आपको पकड़ेंगे। कोई तरीका है यार, मतलब ठीक है, आप कुछ इसका संरक्षण हो, उसका संरक्षण हो, हम तो अपना है ना भैया रिजाइन कर देंगे, हमारा बुलाते हैं और रिजाइन कर देंगे, हमको नहीं करना। फतेह से बात भाई थी, कहीं बाहर गाँव बाहर गाँव जान दो, इतना थोड़ी होता है, मतलब हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं कि यार जब कही उठवाए अध्यक्ष बल्ब खरीदे, अध्यक्ष दफ्तर नहीं करता है, कैसे दफ्तर नहीं होते? बता तो पंच कितने बार बताए पप्पू, हमारे पास रुकती है 1 घंटा से ज्यादा खाए, तो तरीका होता है ये सब चीजें। बोला रमेश को जमीन सब तक नहीं आप
ग्वारा में सात सात आठ आठ बजे लो कचरा साफ गाड़ी चलती इतने पाँच चार भी बजे तो मेरी कचरा गाड़ी घर में पड़ा। आप ही बताओ हमें, हमने कितना बार आपको लिख के दिया कि बगल मेरे पीछे कोई काम नहीं करना। देखो तो आप देख हम क्यों कैसे जाते हैं, ऐसे नहीं बताओ नहीं है आप उनका पैसा भी निकाल सकते। आप जगह आप देख के दिखाए होंगे, सुनो उसका गलत आप मत लगाओ। 49,000 रुपए रुकना पड़ेगा बैंक में ज्वाइंट सिग्नेचर जाते हैं अध्यक्ष और सीएमओ के 49,000 तक वहाँ पे आप पैसे निकाल सकते हैं सिंगल बिल पे सीएमओ के दस्तखत होके ये हो सर। लेकिन फाइल तो 49,000 की बता सकते हैं कि नहीं, क्या हम ये ट्रैवल कर रहे हैं बैंक में डबल सिग्नेचर नहीं जाएंगे, ये है नियम। हम पढ़े लिखे आए, अरे सुन तो ना तुम हमारी बात सुन लो, तुमने फ्रंट में कोऑपरेट किया सुन लो तुम हमारी बात, तुम्हारी बात सुन लो तुम हमारी बात। तो ज्यादा नाटक करोगे ना, बता दिया मैंने, इतना ध्यान रखो तुम। मैं एस पी का हूँ, इतना ध्यान रखना तुम सीएमओ साहब, उठा के मैं बाहर फेंक दूंगा, ठीक है ना। इसलिए जितनी मान मर्यादा में रहती उसकी बात किया करो, जितनी मान मर्यादा में रहती उसकी बात किया करो। नहीं बता दिया मैंने तुम्हें, माल मर्यादा में रहकर बात किया करो, खंडित तो वो कर रहे। मैंने तुमको बता दिया, सुन लो मेरी बात, मदद करो, माओ मदद नहीं करेंगे, रहो समझे, खंडित तो वो कर रहे हो। उल्टा लगा के 49,000 के अधिकार, अरे 49,000 में डबल सिग्नेचर में जाएंगे बैंक में तो है नहीं, लेकिन 49,000 की होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाएं खास होटल रॉयल पैलेस जहां पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी को बनाएं यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।